गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज 7.5। इस तो पहले असी एक्सरसाइज 7.4 विच प्रॉपर इंप्रॉपर फ्रैक्शंस बारे पढ़िया सी, ते नाल ही मिक्स नंबर्स बारे पढ़िया सी, जां मिक्स फ्रैक्शन बारे। मिक्स फ्रैक्शन की हुंदी है? वैन एन इंप्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज कॉम्बीनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज कॉल्ड ए मिक्स नंबर और मिक्सड फ्रैक्शन। इमप्रोप मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन किनू बोलते? जो असं इमप्रोपर फ्रैक्शन रिटन करते हैं कंबीनेशन ऑफ होल नंबर तो प्रोपर फ्रैक्शन के रूप में, उन्होंने असं की बोलते हैं मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन। अज असी एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट कर जा रहे हैं, जिद फस्ट पार्ट साडा एड द फॉलोइंग मिक्स नंबर्स, जोड़े हेठा कुछ मिक्स नंबर दिए गए हैं उन्होंने आप ऐड करना है। फस्ट सम है साढ़े को 2 raised to 1/4 एंड 3 raised to 1/4। इतने जी 1/4 हो कि फ्रैक्शनस ने, 2 and 3 की आ होल नंबर। तुम्हें पता फ्रैक्शन में उपर वाला न्यूमीनेटर हों, हेठला की हों डिनोमीनेटर। 2 raised to 1/4 प्लस 3 raised to 1/4। हम असं अगले स्टैप की करा, 2 4 न मल्टीप्लाई करा, वो 1 प्लस करा, तो अपॉन कि जो थले डिनोमीनेटर जिन्ना नीचे आ 4 प्लस 3 4 न मल्टीप्लाई करा, 1 प्लस करा, डिवाइडेड बाय कि जाना 4। 2 4 न मल्टीप्लाई किया कि जाना 8, 8 प्लस 1/4 प्लस 3 4 न मल्टीप्लाई किया 12, 12 प्लस 1/4 कि जाना 8 नू 1 प्लस किया 9/4 प्लस 13/4, तो डिनोमीनेटर सेम है, तो थले एलसीएम कि जाना 4, तो उपर कि फ्रैक्शन आ जानी 9 plus 13, 9 to 13 = 22/4। इन आप 2 के टेबल से कट कर देना, 2 11 + 22, 2 2 + 4 कि आंसर आ गया साडा 11/2। नैक्सट सैकेंड सम है 7 raised to 3/10 एंड 9 raised to 4/10। सल्यूशन की है? 7 raised to 3/10 प्लस 9 raised to 4/10। 7 आप 10 ना मल्टीप्लाई करा प्लस करा 3/10 प्लस 9 10 ना मल्टीप्लाई करा प्लस 4 करने अपॉन 10। 7 जो 10 ना मल्टीप्लाई किया कि जाना 70, 70 प्लस 30/10 प्लस 9 10 ना किया कि 90 प्लस 4/10। 70 तो वो 3 प्लस कि बन जाने 73/10 प्लस 90 4 प्लस की 94/10। डिनोमीनेटर सेम है, एलसीएम साडा कि नीचे आ जाना 10, 73 प्लस 94/10, तो दोनों प्लस कर दिता 73 to 94 तो कि जाना 167/10 आंसर आ जाना। थर्ड सम है 1 raised to 2/7 एंड 5 raised to 3/7। सोल्यूशन की है? 1 raised to 2/7 प्लस 5 raised to 3/7। 1 7 ना मल्टीप्लाई करा प्लस 2 करा अपॉन 7 प्लस 5 7 ना मल्टीप्लाई करा 3 प्लस करा अपॉन 7। 7 1 ना मल्टीप्लाई किया कि जाना 7 plus 2/7 प्लस 35 plus 3/7, तो 7 तो 2 प्लस किया कि जाना 9/7 प्लस 38/7। 38 डिनोमीनेटर सेम ने, एलसीएम सेम आ जाना 7, 9 प्लस 38 कि जाना 47/7 आंसर आ जाना। फोर सम है 6 raised to 2/3 एंड 3 raised to 2/3। 6 raised to 2/3 प्लस 3 raised to 2/3, 6 नू 3 ना मल्टीप्लाई करा प्लस करा 2 अपॉन कि जाना 3 प्लस 3 नू 3 ना मल्टीप्लाई करा प्लस 2/3। 6 3 = 18 + 2/3 प्लस 3 3 = 9 + 2/3। 18 तो 2 प्लस किया कि 20/3 प्लस 9 तो 2 प्लस किया कि 11/3 प्लस करके दोनों थले डिनोमीनेटर सेम है, 20 + 11/3 तो कि जाना 31/3। लास्ट सम और फिफ्थ सम है 1 raised to 4/5 एंड 2 raised to 6/5। तो सोल्यूशन की 1 raised to 4/5 प्लस 2 raised to 6/5। 1 असी 5 ना मल्टीप्लाई करा 4 प्लस करा अपॉन कि जाना 5 प्लस 2 नू 5 ना मल्टीप्लाई करा 6 प्लस करा 5। तो 5 नू 1 ना मल्टीप्लाई किया कि जाना 5 plus 4/5 प्लस 2 नू 5 ना मल्टीप्लाई किया 10, 10 प्लस 6/5, 5 तो 4 कि जाना 9/5 प्लस 16/5, 16 तो 9 प्लस किया कि जाना 25, तो थले कि जाना 5 5 5 + 25, 5/1 कि जाना साडा आंसर कि जाना 5। अगली एक्सरसाइज 7.6 असी सबट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन नाल रिलेटेड जिहड़े सम करांगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।